हो गई है, ब्रेक पैंडल दबा के रखना है मुझे और वहाँ चेकिंग चल रही है। टायर खोल लिया आपके भाई ने। तो दोस्तों घर जाते समय हो गया है एक्सीडेंट। हेलो तो दोस्तों कैसे हो सब, सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आपका भाई दोस्तों गाड़ी लोड करके पहुंच चुका है मुजफ्फरनगर और अभी दोस्तों मैं डग पे हूँ, गाड़ी धुलवा रहा हूँ। ये देखो एक गाड़ी धुल ली अपनी और भाई मेरा सिस्टम दोस्तों अब बताता हूँ कैसे कैसे रहा आपके भाई का, जो मतलब रूट कैसे कैसे रहा। हमारा जो फर्स्ट रूट है दोस्तों वो फाइनल हो गया है, मतलब खर्चे का भी ब्लॉग आपको दे दिया है और ये वाला रूट जो फाइनल हो गया है। अब हमने दोबारा मतलब सेकंड ट्रिप के लिए गाड़ी लोड कर ली है, अपनी गाड़ी सेकंड ट्रिप के लिए लोड है और अब बताता हूँ कैसे कैसे होगी दोस्तों। मतलब आपके भाई की उस दिन गाड़ी खाली हुई, खाली होने के बाद दोस्तों मैं सीधा लाडवा भाग गया, वहाँ से लाडवा लोड करी गाड़ी, रात में ही होगी थी मेरी गाड़ी लोड, रात में गाड़ी लोड होगी और 2 बजे से मैं फैक्ट्री से निकल गया कागज़ वागज लेके और भाई 4-4:30 बजे तक मैं शामली के आसपास था मैं और वहीं लगा के गाड़ी सो गया और फिर सुबह ही आँख मेरी जल्दी खुल गई थी तो अभी यहाँ पहुँच गया हूँ दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे मैंने गाड़ी लगा के धुलवानी स्टार्ट कर दी। और दोस्तों आप आज आपको भाई जा रहा है घर, आज मैं जाऊँगा दोस्तों घर पर जाऊँगा शाम को ही क्योंकि आज गाड़ी का बहुत सारा काम है और काम बता देता हूँ दोस्तों क्या क्या है। ये देखो दोस्तों काम है, देखो आपके भाई का दोस्तों ये चकला, चकला को दिखाना पड़ेगा। इसकी मुझे लग रहा है पिन में दिक्कत है, गाड़ी की जो दोस्तों पिन होती है उसमें कुछ दिक्कत है, झोंक मार के बहुत तगड़ा गाड़ी मार दिया, इतना तगड़ा झोंक कि मेरे से 2 कल झोंक लगे जो तगड़े वाले, कंट्रोल नहीं हुई दोस्तों गाड़ी और ब्रेक तो बिल्कुल नहीं पकड़ रही है गाड़ी। गाड़ी के ब्रेक भी दिखाने हैं दोस्तों, अभी गाड़ी धुलने दो उसके बाद चलते हैं मिस्त्री के पास, दिखाएंगे गाड़ी क्या क्या कैसे कैसे काम होएगा। अभी मालिक आएंगे, अगर मालिक को भी दिखाएंगे एक बार, मालिक खुद चलाएंगे, उनको बोलूँगा एक बार चला के देख के आओ भाई क्यों मारी झोंक, बहुत तगड़ा झोंक था दोस्तों रात को, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुई गाड़ी। फिर मेरे एक भैया हैं, मैंने उनको भी दिखाया था, मेरे को लगा कि मेरे को शक हो रहा है, फिर मैंने उनको दिखाई, नई गाड़ी होता है ना दोस्तों शक होता है, ऐसा लगा मुझे शक है तो फिर मतलब मैंने उनको दिखाई गाड़ी, उन्होंने भी बताया कि भाई इसको दिखा भाई गाड़ी को। तो दोस्तों आज अपनी गाड़ी को दिखाएंगे बढ़िया मिस्त्री पे, दिखाएंगे कोई नॉलेजेबल मिस्त्री को दिखाएंगे। मेरे को दोस्तों पिन पे शक है, मेरे को लगता है कि जो ट्रॉली की पिन है ना वो थोड़ी हिल रही है तो दिखाएंगे। और दोस्तों ब्रेक भी मिलवाना है, गाड़ी के ब्रेक बहुत गंदे हो रहे हैं। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि माल कहाँ का लोड गया, इंटरनेशनल माल है दोस्तों, मतलब अदर कंट्री का माल है आपकी भाई की गाड़ी में। अभी मैं माल को बताऊंगा नहीं कहाँ का माल है, ठीक है दोस्तों अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं जस्ट थोड़ी सी आगे पहुंच जाऊंगा तब मैं बताऊंगा दोस्तों माल कहाँ का है। माल अदर कंट्री का है, मतलब अदर कंट्री जा रहा है दोस्तों आपका भाई, और मैं आपसे वो देता हूँ कि कौन सी कंट्री में जाने वाला है, ठीक है दोस्तों मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है भूटान जाऊँगा या बांग्लादेश बॉर्डर जाऊंगा या पाकिस्तान बॉर्डर इटारी जाऊंगा या नेपाल जाऊंगा, ठीक है दोस्तों इन चारों में से दोस्तों आप बता देना कमेंट करके, देखते हैं किसका आंसर सही रहता है। ठीक है दोस्तों आप बताना मुझे कहाँ जाने वाला है आपका भाई। ठीक है दोस्तों अभी देखो होने दो दोस्तों, इसे गाड़ी को धुलने दो एक बार, दोस्तों गाड़ी को धुलने दो, देखो गाड़ी धुल ली है। गाड़ी धुलने के बाद दोस्तों मतलब अभी गाड़ी धुल ली है हमारी, गाड़ी धुलने दो उसके बाद मिस्त्री के पास लेके जाएंगे, मिस्त्री को दिखाएंगे, मिस्त्री को दिखानी ज़्यादा ज़रूरी है आज गाड़ी। और फिर गाड़ी धुलने के बाद दोस्तों पिनों में ग्रीस भी कराना है, बहुत काम रहते हैं, मतलब दोस्तों शाम ही हो जाएगी घर पहुँचूँगा मैं शाम तक ही, ऐसा ही रहेगा, बहुत बुरा हाल हुआ है दोस्तों और ऐसे ही जाऊँगा मैं घर भी दोस्तों क्योंकि तो सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं मेरे नहाने के, सारे टोटली कपड़े गंदे हैं और वही है कि नहाने के बाद ही होगा जो भी होगा, नहा धो के देखेंगे, नहाने का टाइम मिला तो नहा के जाएंगे वरना ऐसे ही चल देंगे। तो आपके भाई की गाड़ी धुलना तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो भाई गाड़ी धुल गया अपनी टंची, आपके भाई ने गाड़ी भी टंच कर दी है, मतलब धुलवा दी है गाड़ी, अब जा रहा हूँ दोस्तों मैं फरमान मिस्त्री के पास, मुजफ्फरनगर के फेमस मिस्त्री है दोस्तों फरमान मिस्त्री, अब उनके पास जा रहा हूँ, गाड़ी के ब्रेक और पिन दिखाएंगे, पिन दिखाएंगे साजिद भैया जी को और फरमान मिस्त्री जी को दिखाएंगे अपना ब्रेक, ठीक है दोस्तों क्योंकि भाई ब्रेक्स और
ये दोनों चीज हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, वहीं मिलता हूँ मैं आपको, ट्रांसपोर्ट नगर। अपने गुरुजी मिल गए हैं, बड़े भैया मिल गए हैं अपने, कुलदीप भैया। अरे देखो भाई जी, राम राम। फेसबुक पे डाल लगा? हाँ फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पे डाल दो। आ जा, ब्रेक और वो करवाने आ रहा मैं। ये किसका ले रखा है किरण प्रकाश? और देखो दोस्तों, अपने गुरुजी थे जो हमें रास्ते में मिल गए थे। पूरी मस्ती मारता हूँ दोस्तों मैं सबके साथ, मतलब सबके साथ बहुत बढ़िया बना रखी है आपके भाई ने, मतलब भगवान की दुआ से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। उसे शीशा धुला दिया था तुम्हारे भाई ने, अब देखो शीशे में बिल्कुल भी दाग नहीं दिखने के। ठीक है दोस्तों, ये टिप्स एंड ट्रिक्स नोट कर लो कार वार के शीशे साफ करने के लिए। आगे ट्रांसपोर्ट नगर, और दोस्तों यहीं है फरमान मिस्त्री की दुकान, और ट्रांसपोर्ट नगर मुजफ्फरनगर के पास आरटी ऑफिस भी है। और भाई पहुंच चुके हैं दोस्तों फरमान मिस्त्री भैया की दुकान पे। देखो बगल वाली साजिद भैया की, और ये फरमान मिस्त्री की दुकान है ट्रांसपोर्ट नगर में। कितनी गाड़ियां लगी पड़ी है, स्टार्ट हो गई है, ब्रेक पैंडल दबा के रखना है मुझे, और वहाँ चेकिंग चल रही है। टायर खोल दिया आपके भाई ने, इसके लेदर लड़केंगे वाले, ये लेदर होते हैं दोस्तों, टाटा के लेदर हैं ये लगेंगे दोस्तों, इसमें हप में ड्रम में लेदर लगने वाले हैं, बहुत काम है दोस्तों। आज पहले दोस्तों लेदर चढ़ गए हैं, और ये एडजस्टर नया लगा है। ठीक है दोस्तों, टायर चढ़ाता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ। कंप्लीट कर दिया है, हालात पूरे बुरे हो गए भाई, पूरा पसीने में भीग जाता, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो यार लेदर तो ओके हो गया, बस अब रह रहा है दोस्तों चकले का काम। चकले का काम देखते हैं कितनी देर में होता है। ये बगल में होगा, ये बगल में दुकान है साजिद भाई की, चकले का काम कराएंगे, मतलब पिन का काम होगा इसमें, देखते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ। काम करा के दोबारे अपनी कंपनी में जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखो वह बहुत काम कराया भाई, बहुत ज़्यादा, पूरा पसीने में अभी तक भीगा पड़ा हूँ, पूरा बुरा हाल हो जाता है, मतलब दोस्तों गर्मी तो बहन करा अंधी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, आ गया कंपनी में, मिलता हूँ दोस्तों। कंपनी से आ गया आपका भाई, मतलब कंपनी में पहुँच गया हूँ, और अभी पार्किंग के अंदर गाड़ी को घुसाऊँगा, ये पार्किंग है अपनी, और हिसाब किताब भी दे के आ गया हूँ दोस्तों मैं। हिसाब ये जो इस चक्कर का हिसाब है वो दे के आ चुका हूँ आपका भाई, ये वाला हिसाब है वो। और दोस्तों ये हिसाब का मैं ब्लॉग दे दूंगा आपको थोड़े दिन में, दे दूंगा एक दो दिन में। ठीक है, तो आपको पता ही, आपके भाई की गाड़ी का जो माल है वो इंटरनेशनल है, मतलब फौरन जाएगा, इंडिया से बाहर जाएगा। तो अभी दोस्तों हम करते हैं गाड़ी पार्किंग के अंदर, और ये गेट खोल लें भैया, और फिर बताता हूँ दोस्तों काम भी क्या क्या हो गया, क्या क्या करा दिया आपके भाई ने। ठीक है, पार्किंग में ढुका दिया गाड़ी दोस्तों। देखो गाड़ी का काम क्या क्या हुआ है, देखो इससे ना इसके चकले को एडजस्ट किया है, देखो इसके, अगर इसके बारे में आपको फुल डिटेल वीडियो दे दूंगा मैं आपको दोस्तों। ये एडजस्टर होता है चकले का, ठीक है, इससे पिन टाइट हो जाएगी। अब पिन टाइट हो गया दोस्तों, झटका अब नहीं ले रही है गाड़ी, पहले झटका ले रही थी ना, झटका नहीं ले रही। और दोस्तों मैं ऐसे ही जाऊँगा घर, अब मैं निकलता हूँ, फिर 100 किलोमीटर जाना है, और 2 बज गए हैं, अभी खाना भी नहीं खाया कुछ भी, खाना भी घर जा के खाऊँगा। और मैंने लेदर भी चढ़वा दिया, मतलब ब्रेक और अपना जो काम था वो ओके हो चुका है दोस्तों। अब आपका भाई निकल रहा है दोस्तों घर, ठीक है, मतलब काम तो ओके करा दिया ना दोस्तों हमने ट्रक का। अब कल को आ जाऊंगा दोस्तों मैं, मेरे को थोड़ा काम है, मैं आपको बता दूंगा क्या काम है, मुझे कल ही मिलता हूँ, फिर मैं कल बताऊँगा आपको क्या काम है। अभी घर चलते दोस्तों, गाड़ी भी धुलवा दी, मतलब गाड़ी का काम ओके है, माल वाल सब ओके करवा दिया, हिसाब किताब दे दिया है, और जो खर्चे का ब्लॉक होगा दोस्तों मैं दे दूँगा अगली बार, मतलब कुछ दिनों में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं फिर घर के लिए, निकलते हैं दोस्तों गाड़ी लेके नहीं, सॉरी मैं निकलता हूँ दोस्तों, बस में बैठूँगा पहले हरिद्वार के लिए, गाड़ी को एकदम ओके है, चाबी दे देता हूँ दोस्तों, चाबी पार्किंग वाले भैया को देनी पड़ती। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको बस में। दोस्तों घर जाते समय हो गया है एक्सीडेंट, अरे भैया तो ट्रक गिर गया है दोस्तों, बहुत तगड़ा, ओ भाई दोस्तों बहुत तगड़ा एक्सीडेंट है, बहुत ज़्यादा पूरा गिर गया है दोस्तों ये ट्रक।
बहुत भयंकर एक्सीडेंट था भाई। फाइनली दोस्तों मेरे घर के पास आ गया हूँ। ये मेरे घर के पास गुरुद्वारा साहिब है, सतनाम वाहेगुरु। खत्म हो गया यार दोस्तों, खत्म। ये मेरे भाई ने लाई है, मेरे भाई ने लाई है ये। और फाइनली दोस्तों घर पहुंच चुका है आपका भाई। और ये है दोस्तों अपना घर, देख ही लिया होगा आपने। मतलब अभी दोस्तों मेरे को नहाना है धोना है, बहुत ज़्यादा गंदी हालात है। नहा दोगे आपका भाई दोस्तों, फिर निकलेगा दोस्तों नेपाली फार्म के लिए, क्योंकि मेरे को कल बैंक जाना है। बैंक में अर्जेंट बुला रखा है मुझे, पता नहीं क्यों बुला रखा है। तो वहाँ जाएंगे बैंक में, तो अपना बैंक है दोस्तों एक्सिस बैंक है, उसमें जाना है। अभी तो दोस्तों नहाऊंगा धोऊंगा, कपड़े वपड़े भी सब ऐसे ही पड़े होंगे, पता नहीं घर वालों ने कैसे रख रखे होंगे, उसको सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर निकलेंगे आज। ठीक है दोस्तों, मैं नहा धोके मिलता हूँ आपको निकलने के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आपका भाई पहुंच चुका है नेपाली फार्म अपने भाई दोस्त के पास, और दोस्त यही जाएगा आपके आपके भाई के साथ। सौरभ भाई जाएगा आपकी बार। तो दोस्तों ये दोस्त है, ये शेफ है, इसको घुमा के लाना है। मतलब दोस्तों इंटरनेशनल ट्रिप है ना, मतलब एक्सपोर्ट का माल भर रखा है आपके भाई ने गाड़ी में, तो ऐसा ही रहेगा सीन। तो देखते हैं क्या क्या सीन रहता है अभी। मतलब दोस्तों मैं बस से उतरा, नहाया, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में हुआ दोस्तों काम। मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया घर से निकलने का, मतलब नहाया धोया घर से निकल गया, सीधा आ गया नेपाली फार्म। अब देखते हैं क्या होने वाला है। चला अब दोस्तों, चल रहा हूँ मैं गाड़ी में। अभी तू चला, मैं पीछे। पहुंच चुका है दोस्तों आपका भाई अपने गांव में। ये अपना गांव है, और दोस्तों देखो सामने कौन है। कपिल क्या हाल है भाई? ये तो ट्रक पे नहीं आएगा दोस्तों ये कभी भी। तो भाई कपिल क्या खेलना जा रहा है? सीओसी खेल रहा है दोस्तों, इसकी आईडी हैक कर लेना सब, इससे कि सीओसी ना खेल पाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आज रात हो गई है और कल को ही निकलेंगे दोस्तों ट्रिप पे, और कल को ही बैंक जाएंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं एंड करते हैं, घर पे जाने के लिए घर पे एंड कर देते हैं। मतलब दोस्तों आज का ब्लॉग घर पे एंड करते हैं, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट और गुड इवनिंग। जैसे कि दोस्तों हो चुकी है शाम, सबको प्यारी सी गुड इवनिंग और जय श्री राम और गुड नाइट। बाय बाय।